दोस्तों, अगर आप भी अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं लेकिन आपके आधार कार्ड के साथ में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो किस तरीके से आप बिना मोबाइल ओटीपी के अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रोसेस हम आपको आज की इस वीडियो में लाइव करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आप यहाँ पर सर्च करेंगे आयुष्मान ऐप, तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाती है। फर्स्ट नंबर पर आपको आयुष्मान कार्ड की एक नई एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, आप इसे ओपन करेंगे एंड अपने मोबाइल में आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो हमने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, तो हम ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आप नीचे लॉगिन वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर कुछ परमिशन मांगी जाएंगी, तो आपको सिंपली परमिशन पर अलाउ कर लेना है। इसके बाद में इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी इस वाले ऑप्शन पर टिक कर लेना है। इसके बाद में आपको आपका एक मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर लेना होगा। साइड में आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद में आप जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। आपको ओटीपी यहाँ पे फिलअप कर लेनी है, नीचे कैप्चा कोड आप फिल करेंगे। इसी के साथ में आपको नीचे लॉगिन वाले ऑप्शन पे एक बार फिर से क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ वेट कर लेना है। इसके बाद में एक नया इंटरफेस आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके यहाँ से उस पर्सन को सर्च करना होगा जिसका कि आप आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको उसके स्टेट का सिलेक्शन यहाँ से कर लेना होगा। इसके बाद में आपको स्कीम वाले ऑप्शन में PMJY इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सर्च बाय, इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप जिस भी ऑप्शन की मदद से अपने बेनिफिशियरी को सर्च करना चाहते हैं, आपको यहाँ से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम आधार कार्ड नंबर के थ्रू में सर्च कर रहे हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेना है। आधार कार्ड नंबर इंटर करके आप सर्च वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, तो आप जो भी डिटेल यहाँ पे फिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ डेटा आप सभी के सामने ओपन होकर आ जाता है। कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पे उस पर्सन को फाइंड कर लेना है जिसका कि आपको आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना है। उसके सामने आपको अप्रूव का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से ऑथेंटिकेशन के लिए चार ऑप्शन ओपन होकर आ जाते हैं। तो अगर आप बिना ओटीपी के अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपके यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आप सभी के सामने एक कंसेंट ओपन होकर आ जाएगा। आपके यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को अलाउ कर लेना है। इसके बाद में आप सभी के सामने फेस ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड की फेस रीडर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, तभी आप अपना फेस यहाँ पे कैप्चर कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको आपका फेस ऑथेंटिकेशन कर लेना है। आपको ऊपर की साइड में कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, आपको इनको रीड आउट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरीके से एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आप जिस भी पर्सन का फेस ऑथेंटिकेशन कराएंगे उसके फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं उनकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। आपको जिस भी पर्सन का आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना है उसके नेम पे आपको क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरीके से उसका आयुष्मान कार्ड आप सभी के सामने ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। तो आप देख सकते हैं हमारा आयुष्मान कार्ड सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद में PDF के रूप में आपका जो आयुष्मान भारत कार्ड है सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाता है, जिसे आप अपने नजदीकी कंप्यूटर शॉप से आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। तो ये था कम्प्लीट वीडियो जिसमें हमने आपको बताया किस तरीके से आप बिना मोबाइल ओटीपी के अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपको फिर से किसी एक नए वीडियो के साथ।